So in this video, let's solve illustration number 4 of income from house property, where there is a vacancy period available but no unrealized rent. जहाँ unrealized rent नहीं है लेकिन vacancy period available है, वहाँ gross annual value कैसे find out किया जाएगा, right? तो given that, find out the gross annual value in case of the following house properties: house 1, house 2, house 3, house 4, house 5 and house 6. Gross municipal value given per annum, fair rent per annum given, standard rent also given per annum, actual rent per annum given, and house remains vacant in number of month. कितने month का vacant है? For house 1, 1 month. For house 2, 3 month. For house 3, 2 month. For house 4, 1 month. And house 5, 2 month. And house 6, 1 month. Right. Now, as we know that reasonable expected calculate करने के लिए पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा gross municipal value and fair rent, और इसमें जो higher है फिर उसको स्टैंडर्ड रेट के साथ मैच किया जाएगा, और जो लोअर होगा वो हो जाएगा आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट. सो अकॉर्डिंगली 200 300, इसमें हायर है 300 लेकिन स्टैंडर्ड रेट 300 है, तो 300 हो जाएगा रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट. फॉर हाउस टू ग्रॉस म्यूनिसिपल वैल्यू है 300 और फेयर रेंट है 600, इसमें हायर है 600 लेकिन स्टैंडर्ड रेट है 180, एंड as you know that reasonable expected rent cannot be higher than standard rent, तो standard rent हो जाएगा आपका reasonable expected rent 180. Similarly for house 3, gross municipal value है 400, fair rent है 750 and इसमें higher है 750 लेकिन standard rent है 280. हम लोगों को पता है कि reasonable expected rent cannot exceed standard rent, so standard rent of rupees 280 will be your reasonable expected rent. Accordingly for house 4, gross municipal value given 500, fair rent given 180, इसमें higher है 500 लेकिन standard rent है 225, तो subject to limit to standard rent, so it will be 225, right? Similarly for house 5, gross municipal value 300, fair rent है 200, इसमें higher है 300 लेकिन standard rent given 250. हमें पता है कि reasonable expected rent cannot be higher than standard rent but can be lower than standard rent. Lower हो सकता है लेकिन standard rent से excess नहीं हो सकता है reasonable expected rent, so subject to limit to standard rent. तो standard rent हो गया reasonable expected rent for house 5. Accordingly for house 6, 300 है gross municipal value, fair rent है 400, इसमें higher है 400 लेकिन standard rent given in question 240, तो 240 हो जाएगा reasonable expected rent. Now comes to second step, actual rent receivable. Actual rent receivable given in question 600, 900, 300, 240, 216 and 240, लेकिन इसमें क्या है, एक प्रॉपर्टी रिमेंस वैकेंट है इन टर्म्स ऑफ मंथ. हाउस 1, 1 मंथ, हाउस 2, 3 मंथ, हाउस 3, 2 मंथ, हाउस 4, 1, हाउस 5, 2 एंड हाउस 6, 1, राइट? तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल जो कि एक्चुअली लेट आउट हुआ है, इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? जितना एक्चुअल रेंट रिसीवेबल होना चाहिए था, दैट इज 600, इसमें वैकेंसी रहा 1 मंथ का, तो 600 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12, ये हो गया 550 एक्चुअल रेंट लेट आउट. एक्चुअल रेंट लेट आउट 550 फॉर हाउस 1. अकॉर्डिंगली फॉर हाउस 2, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल था 900, 3 महीना का वैकेंट पीरियड अवेलेबल है, तो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल कितना होगा, 900 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12,
तो ये हो जाएगा 675 एक्चुअल रेंट रिसीवेबल, मतलब एक्चुअल लेट आउट पीरियड 675 फॉर हाउस टू। अकॉर्डिंगली फॉर हाउस थ्री 300 था एक्चुअल रेंट पर एनम, इसमें 2 मंथ का वैकेंट पीरियड अवेलेबल है, तो रिमेनिंग पीरियड का अमाउंट कितना होगा? 300 × 10 डिवाइडेड बाई 12, ये हो जाएगा 250 एक्चुअल रेंट रिसीवेबल फॉर द रिमेनिंग पीरियड फॉर हाउस थ्री। अकॉर्डिंगली फॉर हाउस फोर एक्चुअल रेंट रिसीवेबल था 240, इसमें 1 मंथ का वैकेंट पीरियड था, सो 240 × 11, मतलब रिमेनिंग पीरियड 240 × 11, मतलब रिमेनिंग पीरियड का वैल्यू है 220। अकॉर्डिंगली फॉर हाउस फाइव 216 था एक्चुअल रेंट पर एनम, इसमें 2 महीना का वैकेंट है, तो रिमेनिंग पीरियड का वैल्यू होगा 216 × 10 डिवाइडेड बाई 12, ये हो जाएगा 180 फॉर हाउस फाइव, 180 फॉर हाउस फाइव, राइट। अकॉर्डिंगली फॉर हाउस सिक्स एक्चुअल रेंट पर एनम था 240, इसमें 1 मंथ का वैकेंट पीरियड अवेलेबल है, तो रिमेनिंग पीरियड हो गया 11 मंथ, तो 11 मंथ का एक्चुअल रेंट रिसीवेबल होगा 240 × 11 डिवाइडेड बाई 12, ये हो जाएगा 220, 220, राइट। सो अकॉर्डिंगली एक्चुअल रेंट रिसीवेबल आज कैलकुलेटेड 550 फॉर हाउस वन, 675 फॉर हाउस टू, 250 फॉर हाउस थ्री, 220 फॉर हाउस फोर एंड 180 फॉर हाउस फाइव एंड 220 फॉर हाउस सिक्स। नाउ इसमें जो हायर है वो हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सी हाउस वन रीजनेबली एक्सपेक्टेड रेंट कितना था? 300, तो ऑफ एक्चुअल रेंट रिसीवेबल वैकेंट पीरियड माइनस करने के बाद कितना हुआ? 550, तो ये इसमें हायर है 550, तो 550 हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाउस टू में क्या होगा? एक्चुअल रेंट रिसीवेबल रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है 180, एक्चुअल रेंट रिसीवेबल आफ्टर रिमेनिंग वैकेंट पीरियड ये है 675, तो 675 हायर है, तो वो हो जाएगा एक्चुअल ग्रॉस एनुअल वैल्यू फॉर हाउस टू, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स कम टू हाउस थ्री। हाउस थ्री में आज कैलकुलेटेड रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है 280 और एक्चुअल रेंट रिसीवेबल आज कैलकुलेटेड आफ्टर कंसीडरिंग द वैकेंट पीरियड इज 250, तो यहाँ पर क्या होगा ना? हायर है 280 लेकिन 250 हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, वो इसलिए कि हाउस थ्री का एक्चुअल रेंट रिसीवेबल था 300, ठीक है 300 था, वैकेंट पीरियड के कारण इसका वैल्यू है, वैल्यू जो है वो डिक्रीज हुआ है, मतलब 12 महीना का रेंट हो रहा था 300, इसमें 2 महीना वैकेंट पीरियड है, इसलिए इसका वैल्यू रिड्यूस होकर 250 हुआ है, अदरवाइज इट विल बी 300। सो जहाँ एक्चुअल रेंट रिसीवेबल माइनस वैकेंट पीरियड, जहाँ एक्चुअल रेंट रिसीवेबल का वैल्यू रिड्यूस हुआ है बिकॉज ऑफ वैकेंट पीरियड, वहाँ एक्चुअल रेंट रिसीवेबल हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, राइट। तो ये हम लोग लॉ में ऑलरेडी देख चुके हैं, पढ़कर आए हैं कि अगर एक्चुअल रेंट रिसीवेबल जो है अगर वैकेंट पीरियड के कारण लोअर हो रहा है आज कंपेयर टू रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, इन दैट केस एक्चुअल रेंट रिसीवेबल माइनस वैकेंट पीरियड जो है वो हो जाएगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो अकॉर्डिंगली यहाँ 250 हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्लियर। नाउ कम्स टू हाउस फोर। हाउस फोर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट है 225 और इसमें एक्चुअल एंड रिसीवेबल सेम टू सेम केस 220, ये 225 था आपका रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, यहाँ एक्चुअल एंड रिसीवेबल 220 हुआ है वैकेंट पीरियड को कंसिडर करने के बाद, वैकेंट पीरियड को कंसिडर करने के बाद, अदरवाइज इसका वैल्यू था 240, अदरवाइज इसका वैल्यू था 240, तो
भाकन पेड़ होने के कारण इसका वैल्यू जो है वो डिक्रीज हुआ है, तो 220 हो जाएगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू, राइट, जहाँ वैकेंट होगा और वैकेंट के कारण एक्चुअल रेंट रिसीवेबल का वैल्यू लोअर हो गया है एज कंपेयर टू रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट. इन दैट केस एक्चुअल रेंट रिसीवेबल विल बी ट्रीटेड एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, राइट. नाउ कम्स टू हाउस फाइव में रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट एज कैलकुलेटेड था 250, और यहाँ एक्चुअल रेंट रिसीवेबल जो है वो 180 है, और ऑलरेडी जो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल था वो था 216, पहले से ही लेस था एज कंपेयर टू रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट. तो वैकेंट पीरियड का कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा. सिर्फ वैकेंट पीरियड के कारण नहीं, कुछ और भी कारण है जिसके वजह से हाउस प्रॉपर्टी फाइव का जो है जिसका वैल्यू रिड्यूस होकर 180 हुआ है. तो यहाँ हम लोग 250 को कंसीडर करेंगे आज ग्रॉस एनुअल वैल्यू. वो इसलिए कि हाउस प्रॉपर्टी फाइव का जो था आपका 250 ऑलरेडी था हायर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, और यहाँ एक्चुअल रेंट रिसीवेबल आल्सो गिवन दैट 216, मतलब ये ऑलरेडी लेस है, पूरा साल का लेस है 216 एज कंपेयर टू रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, और उसके बाद भी वैकेंट पीरियड होने के कारण इसका वैल्यू और भी रिड्यूस होकर 180 हुआ. तो यहाँ हम लोग रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट जो है उसको कंसीडर करेंगे एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, राइट. तो ये हो जाएगा आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू फॉर हाउस फाइव. अकॉर्डिंगली फॉर हाउस सिक्स रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट एज कैलकुलेटेड 240, और यहाँ एक्चुअल रेंट रिसीवेबल था 240, राइट. एक्चुअल रेंट रिसीवेबल था फॉर रीजनेबल एक्सपेक्टेड 240 था और एक्चुअल रेंट पर एनम 240 था, लेकिन वैकेंट होने के कारण एक वन महीना का वैकेंट है, तो वैकेंट होने के कारण इसका वैल्यू जो है वो रिड्यूस होकर 220 हुआ है, राइट. अदरवाइज इसका वैल्यू था 240, राइट. तो इसके वजह से ये 220 हो जाएगा एक्चुअल ग्रॉस एनुअल वैल्यू, राइट. मतलब वैकेंट होने का कारण इसका वैल्यू जो है वो रिड्यूस होकर 220 हुआ है, अदरवाइज इसका वैल्यू था 240, राइट. तो इसका वजह से एक्चुअल एंड रिसीवेबल माइनस वैकेंट पीरियड विल बी नोन एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू, राइट. तो इधर नोट में भी दिया गया है, इन हाउस वन एंड हाउस टू एक्चुअल एंड रिसीवेबल इज ऑलरेडी हायर देन रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, देयरफॉर वैकेंसी पीरियड इज नॉट मेकिंग एनी इम्पैक्ट, राइट. ये ऑलरेडी हायर था इसलिए वैकेंसी पीरियड का कोई मतलब इम्पैक्ट नहीं रहा. दैट इज स्टेप फोर ऑफ कॉम्पिटिशन डिस्कस इन थियोरी ऑन ग्रॉस एनुअल वैल्यू. बट इन केस ऑफ हाउस थ्री एंड हाउस फोर एक्चुअल एंड रिसीवेबल इज लेस देन रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट ड्यू टू वैकेंसी ओनली, अदरवाइज एक्चुअल एंड रिसीवेबल वुड हैव बीन 3 लाख एंड 2 लाख 40 रेस्पेक्टिवली, देयरफॉर ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है विल बी नोन एज एक्चुअल रेंट रिसीवेबल एज कंप्यूटेड इन स्टेप टू. नाउ कम्स टू इन हाउस फाइव जो कि हम लोग कैलकुलेट किए. हाउस फाइव के केस में क्या है ना, जो एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है वो लेस देन रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट नॉट ओनली ड्यू टू वैकेंसी बट ऑल्सो ड्यू टू अदर फैक्टर. वो इसलिए कि 250 था रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बट एक्चुअल रेंट रिसीवेबल है 180 जो कि पहले सॉरी एक्चुअल एंड रिसीवेबल है 216 जो कि पहले से ही लेस है एज कंपेयर टू रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, और उसके बाद भी 2 महीना का वैकेंट पीरियड है, तो अगर उसको भी हम लोग माइनस कर देंगे कैलकुलेट करेंगे तो फिर ये और भी रिड्यूस होकर 180 हो रहा है, राइट. तो इसके वजह से इन हाउस फाइव एक्चुअल एंड रिसीवेबल इज लेस देन रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट नॉट ओनली ड्यू टू वैकेंसी बट ऑल्सो ड्यू टू अदर फैक्टर्स. इन सच केस वैल्यू ऑफ
reasonable expected rent shall be taken as gross annual value. Clear? Now, in house 6 में क्या है? Actual rent receivable जो है, is less than reasonable expected rent due to vacancy period. Otherwise, actual rent receivable will have been equal to reasonable expected rent. Right? तो ये था illustration number 4. So, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है सो दैट यू कैन इजीली सॉल्व इन एग्जामिनेशंस. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड हैप्पी स्टडिंग.